हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप नहीं किया और मैंने आपको जो भी कहा आपने उसको ईगरली फॉलो किया, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आखिर ये वीडियो है किसके बारे में। यार, ये वीडियो होने वाला है कि हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, अपने आप को फोकस कैसे रखें। हम लोग क्या करते हैं, अपना गोल तो सेट कर लेते हैं कि यार मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, या फिर मुझे अमीर बनना है, या मुझे सोशल वर्कर बनना है, या फिर CGL क्रैक करना है, SSC के सारे एग्जाम्स क्रैक करने हैं, DSSB में टीचर बनना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, प्राइवेट अच्छी कंपनी में काम करना है। तो उससे पहले हमारे को क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हम काम नहीं कर पाते, हम ठीक से अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पाते। आज हमने अच्छे से अपने लिए काम किया, सेकेंड डे हमने फिर अच्छे से पढ़ाई करी, थर्ड डे फिर अच्छे से पढ़ाई करी, फोर्थ डे हमें ऐसा लगता है यार अब मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझे क्विट कर देना चाहिए, एग्जाम्स भी टाइम पे नहीं हो। फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी माइंड में आती हैं कि यार कि हम कैसे अपने आप को फोकस रखें, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है कि आप अपना गोल बहुत अच्छे से अचीव करेंगे अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा। पॉइंट नंबर वन है कि सबसे पहले आपको एक तो जल्दी उठना है। ये मैं अपना टाइम टेबल में आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मैं हमेशा कोशिश करती थी कि जल्दी उठती थी यार, लेकिन जल्दी उठने का फोकस मेन मोटिव होता क्या है। मैं क्यों हर किसी को ये कहती हूँ कि आपको बहुत जल्दी उठना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 6 to 7 के बीच में उठना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक लोअर फैमिली के लोग हैं। हम सभी एक कोई बहुत रिच फैमिली के पीपल्स तो नहीं है कि हमारे पापा कोई बड़े बिजनेसमैन है, कभी कभी ऑफिस जाते हैं, कभी कभी घर पे ही रहते हैं और हमारे घर में बहुत सारा पैसा आता है। नहीं, हम सब एक लोअर क्लास फैमिली से आते हैं। किसी के पापा शायद 10,000 की जॉब करते होंगे, किसी के पापा शायद 15,000 की जॉब करते होंगे, और क्या पता किसी के पापा किसानी कर रहे होंगे, कुछ खेती बाड़ी कर रहे होंगे, या फिर किसी किसी के घर पर रेंट से कुछ इनकम हो जाती है, किसी किसी के घर में कोई ट्यूशंस दे रहा होता है। हम सब उसी फैमिली के लोग आते हैं। तो यार सबसे पहले अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको ये करना है कि सुबह उठो और अपने पापा को देखो कि कैसे वो 50-60 की उम्र में होते हुए, 50 हम कितने साल के मैक्स टू मैक्स हैं, 25-26, और अगर आप प्रिपरेशन करो तो 19-20-21-22 इस रेंज में हो गया। और कैसे हमारे पापा जो 50-60 साल के हैं वो आज तक हमारे को हम लोगों को सेटल करने के लिए, हम लोगों की पढ़ाई कराने के लिए, हम लोगों को जॉब दिलवाने के लिए, वो लोग कैसे मतलब वो कैसे इतनी सुबह सुबह उठ के अपने ऑफिस में जाते हैं। वो 50 मतलब उन्होंने अपने 25-30 साल अपनी लाइफ के सिर्फ एक ही जॉब को करने में बिता दिया, वो कुछ पैसा कमाने के लिए कर दिया, और वो कुछ पैसा नहीं, वो हम लोगों की स्कूल की फ़ीस के लिए, ट्यूशन की फ़ीस के लिए, हम अपने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भर पाएँ, कंपनी की प्लेसमेंट के लिए, अच्छी कंपनी में जाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, हर चीज़ उन लोगों ने हमारे लिए की है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन है कि मोटिवेटेड रहने के लिए यार आप सुबह उठो और अपने पापा को देखो कि वो कैसे बेचारे इस उम्र में भी तैयार होकर जा रहे हैं। क्या आपका मन नहीं करता कि आप लोग स्टेप नंबर टू कि आपको अपनी मम्मी के साथ हमेशा एक अच्छा कम्युनिकेशन रखना है। कभी ये नहीं सोचना कि यार कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि आप जब मम्मी के साथ रहोगे ना आपको रियलाइज होगा कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया आपको पढ़ाने के लिए। सेकंड, वो कैसे एक छोटे छोटे पापा की वो 10,000-15,000 की जो सैलरी आती है उसमें से वो जो भी पापा कमा के लेके आते हैं वो कैसे उसमें से हमारे इतने मतलब बहन भाई सबके स्कूल ट्यूशन, फिर उसके बाद हमने जब फॉर्म भरने शुरू करे तो वो कैसे फॉर्म भरना, वो पैसे पूरा मतलब थोड़े से पैसों में उन्होंने कैसे पूरे घर को चलाया, ये सब आप देखोगे ना तो यार आपको रियलाइज होगा कि यार मैं ना थोड़ा सा जल्दी अगर जॉब ले लूँ तो शायद मम्मी की सारी प्रॉब्लम मैं अकेले दूर कर सकती हूँ। अगर एक दो बहन भाई होंगे तो और भी अच्छा होगा कि सब लोग मिलके मम्मी की सारी नीड्स पूरी कर पाएंगे हम लोग। तो स्टेप नंबर थ्री आता है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए ना थोड़ा सा पैसा कमाओ यार, चाहे आप 500 रुपये के किसी को ट्यूशन दो, चाहे 1,000 रुपये में किसी के होम ट्यूशन करो, घर पे जाके किसी को पढ़ाओ, लेकिन यार प्लीज़ ज़रूर कुछ अर्न करो, क्योंकि तब आपको मनी की वैल्यू रियलाइज़ होती है। क्योंकि होता क्या है, हम ना सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी गर्लफ्रेंड बन गई है, कभी बॉयफ्रेंड बन गया है, और हम उसी लाइन में पूरा एंगेज रहते हैं। जब तक हमें समझ में आता है कि हम गलती कर रहे थे तब तक हमारी एज निकल जाती है और हमारी कोई जॉब ही नहीं लग पाती है। तो आपको करना क्या है, स्टेप नंबर थ्री मेरा बस ये है कि कुछ भी अर्न करो, 500 रुपये 1,000 रुपये किसी के शॉप पे जाके ना एक दिन 1 घंटा काम करके देखो, देन यू विल रियलाइज़ कि आपको कितना एक पैसे कमाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तब आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं गवर्नमेंट जॉब कर लेती हूँ, लब के लिए पढ़ लेती हूँ,
या फिर मैं कोई प्राइवेट जो भी कोई भी अच्छी जॉब के लिए मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ, कोई भी हो जो भी आपकी चॉइस होगी, तो फिर आपको स्टेप नंबर 3 है कि थोड़ा सा पैसा कुछ कुछ जरूर कमाओ ताकि आपको मनी की वैल्यू रियलाइज हो. हम अपनी बुकों में इतना खो जाते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि हम क्यों काम कर रहे हैं. सो आता है स्टेप नंबर 4 कि ये जो सारे 3 पॉइंट्स हैं वो डिपेंडेंट है हमारे पॉइंट नंबर 4 में. कैसे? यार देखो, जब हम ना तैयारी कर रहे होते हैं तो हम बुकों में खो जाते हैं, और फिर कभी कभी क्या होता है, एग्जाम नहीं निकलता, लाइक एसएससी सीजीएल नहीं निकला तो सीएचएसएल में भाग गए, सीएचएसएल नहीं निकला एमटीएस में चले गए, एमटीएस भी नहीं निकला तो हमने सोचा चलो टीचिंग की जॉब में चले जाते हैं, सीटेट क्रैक कर लेते हैं और टीचिंग का क्लियर कर लेते हैं. लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, हम अपने गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं. देखो, अगर आपको स्कूल जाना है तो आप स्कूल के लिए एक रास्ता लोगे, ये नहीं करोगे कि अब पहले चलो मंदिर चला जाता हूँ, मंदिर से मैं कहीं बाजार चला जाऊँगा, तो क्या होगा, आप स्कूल पहुँच ही नहीं पाओगे, आप मार्केट में घूमते रह जाओगे. तो सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपको डायरेक्ट स्कूल पहुंचना है, स्कूल मींस कि डायरेक्ट अगर आपको अपना गोल अचीव करना है, तो आप अपना पहले तो गोल एक रखो. कई लोग कहते हैं नहीं, आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको ये वाली जॉब के लिए भी करना है. नहीं यार, एक गोल अपना सेट होना चाहिए. आप हर जगह दो, मैं ये नहीं कह रही कि आप अलग अलग फॉर्म्स मत भरो, हर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, बट आपका एक एग्जाम होना चाहिए स्पेसिफिकली जिसके लिए दिल से आवाज आए कि यार ज्योति तुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, या फिर एक्स वाई जेड जो भी हो तुम्हें ये एग्जाम जरूर क्रैक करना है, तो तुम्हारे दिल से आवाज आनी चाहिए. तो उसके लिए क्या करो, एक अपने गोल को, जो भी तुम्हारा गोल हो, यार एग्जाम लेना, इस कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, तो क्या करो, एक पेपर पे अच्छे से लिख के टंगा लो कि मेरा ये गोल है. सुबह उठ के एक बार जरूर अपने गोल को देखो कि यार मुझे टीचर बनना है, मुझे प्रिंसिपल बनना है, मुझे एसएससी सीजीएल से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, सीए कंप्लीट करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. आपको जो भी करना है यार, उसके लिए आप अपने गोल को स्पेसिफिकली डिफाइंड अच्छे से एक जगह पे लिख लो. सो अब आते हैं स्टेप नंबर 5, जिसे हम बोलेंगे पॉइंट नंबर 5, जो आपको अपने माइंड में रखना है कि यार जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी चीज़ के लिए पीछे भाग रहे हो क्या, तो आपको रात को सोने से पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. डेली आपको ये बात तो ध्यान में रखनी है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं खुद से कि मैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि मैंने आज सुबह जो भी टाइम टेबल बनाया था, जो भी मैंने अपने दिन में काम करने के लिए का टाइम टेबल बनाया, रूटीन बनाया था, क्या मैंने उसको ईगरली फॉलो किया, क्या मैंने अपने 24 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज किया, क्या मैंने उससे अपना 24 घंटे में से मैक्सिमम आउटपुट में निकाल के लेके आई हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, अपने आप से पूछो मैंने ऐसे कौन कौन सी चीज़ें करी हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैंने यही सब चीज़ें करी तो मेरा गोल अचीव नहीं होगा, कि जो भी मैंने अपना गोल बनाया था वो उस गोल से मुझे दूर करने वाली कौन सी चीज़ है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपको बॉयफ्रेंड हो, इवन आपके पेरेंट्स हो, अगर उनकी वजह से भी आपको लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ या मेरा गोल अचीव नहीं होगा, तो थोड़ी सी अपनी दूरी बना लो उन चीज़ों से, अपने आप को थोड़े दिन के लिए उन सब चीज़ों से दूर करो. अब लेकिन अपने डिस्ट्रैक्शंस को जानना बहुत ज़रूरी है. कई बार हम इंस्टाग्राम्स में इतने खोए रहते हैं, हम रील्स में इतना ज़्यादा खोए हुए रहते हैं, या फिर हम किसी की बातों में इतना खोए रहते हैं, या किसी की यादों में खोए रहते हैं, या फिर घर के काम में खोए रहते हैं, आप किसी भी चीज़ में खोए रहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस को फाइंड आउट करो, उन डिस्ट्रैक्शंस को करो डिस्ट्रैक्ट, हटा दो अपनी लाइफ से, एक्सट्रैक्ट करके बिल्कुल फेंक दो, एक्सट्रैक्ट करो अपने डिस्ट्रैक्शंस को. क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको यही पूछना है कि आप जिस भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर तुम्हें कल वहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा, तो क्या आप उस चीज़ को क्लियर करने के लिए आप रेडी हो, आर यू रेडी फॉर दैट, मीन्स कि कल अगर मेरा सीजीएल का प्री होने वाला है तो मैं कल पेपर में बैठूंगी और क्या मैं 200 में से काफ़ी अच्छा स्कोर, 190-180 स्कोर कर पाऊंगी, अगर कल मेरा मेंस का एग्ज़ाम होगा तो क्या मैं 390 में से 300 प्लस लेके आ पाऊंगी, क्या अगर मेरा कल इंटरव्यू है तो कल मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाऊंगी, मतलब आप उतना रेडी हो कि नहीं हो उस चीज़ को करने के लिए. आपको ये चीज़ अपने आप से हर दिन पूछनी है, और अगर आवाज़ आए ना अंदर से नहीं, तो मतलब आपको और मेहनत करनी है, अगर आवाज़ आए हाँ, तो गाइज आपका टाइम आ चुका है कि आप बहुत जल्दी अपने गोल को अचीव कर लो. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे लेके आऊँ, तो उसके लिए मुझे भर भर के कमेंट करो. मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं सबके कमेंट का अच्छे से रिप्लाई कर पाऊँ, और आप अपनी क्वेरीज को पूछो, मुझे अपना समझ के कमेंट करो, और मेरे चैनल को अच्छे से काफ़ी सारा वाइड स्प्रेड दो, बहुत सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार दो, ताकि मैं और आगे इसी तरीके से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ. बाय बाय.